हेलो एवरीवन, टुडे वी आर बैक अगेन विथ अनदर स्टोरी। तो ये स्टोरी जो है एक राजा के बारे में है ऑफ द एंशियंट टाइम्स। तो ये स्टोरी बहुत लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा इन योर स्कूल डेज, एंड दोज हु हैव नॉट हर्ड आप फिर से सुन लीजिए। सो एक बार क्या हुआ था, एक बार एक राजा रास्ते से जा रहा था, एंड देन व्हाट डिड ही डिड, एक बड़ा सा बोल्डर रास्ते में छोड़ के वो चला गया, एंड ही हिड हिमसेल्फ, चला नहीं गया, वो अपने आप को छुपा लिया कहीं पे, ठीक है। एंड ही सो कि लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो ही सो दैट उसके जो बड़े बड़े मंत्री है आ रहे हैं जा रहे हैं, तो दे व्हाट दे वर डूइंग, दे वर कंप्लेनिंग कि राजा इतना बुरा है, देखो रास्ते पे एक बोल्डर पड़ा हुआ है और कोई इसको हिला रहा भी नहीं है, कोई इसको हटा रहा भी नहीं है, और काफ़ी सारे लोग आए गए और हर कोई कंप्लेन कर रहा था, बट नो वन इज़ ट्राइंग टू पुश दैट बोल्डर अवे फ्रॉम देयर। तो फिर क्या हुआ, एक बार एक पीजेंट, एक नॉर्मल इंसान सा, एक वेजिटेबल शॉपकीपर आया, वहाँ पे देखा है इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, तो इसका इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। देन ही बहुत मुश्किल से उसने उस पत्थर को वहाँ से हटा लिया, ठीक है, वहाँ से उस पत्थर को हटा लिया। फिर क्या हुआ, वो रास्ते से चला गया, अपने काम के लिए चला गया। देन व्हाइल ही वॉज रिटर्निंग ही सॉ दैट वहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है और उसमें बैग में बहुत सारा कॉइन्स पड़ा हुआ है। देन और उस बैग में लिखा हुआ था कि दिस इज अ गिफ्ट टू द पर्सन हु रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोड। तो ये गिफ्ट है उस आदमी के लिए जो इस बोल्डर को रास्ते से हटाया था। एंड द पीजेंट बिकेम वेरी हैप्पी, अरे वाह, लाइक आई डिड अ वेरी स्मॉल थिंग, एंड द किंग ने इतना अच्छा प्राइज, इतना बड़ा पुरस्कार दिया उसको, देन ही बिकेम वेरी हैप्पी। तो इस स्टोरी से मोरल क्या है, देखो बी, महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा चीज़ कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो हर कोई कंप्लेन करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर सकते वो कर सकते, बट नो वन इज विलिंग टू डू समथिंग बाई देमसेल्फ टू चेंज द सिचुएशन। तो हमको क्या करना चाहिए, इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन हमारे लाइफ में आए या किसी के लाइफ में आए बा एनी सिचुएशन, तो वी शुड ट्राई टू चेंज आवर सेल्फ, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। हम खुद को पहले चेंज करने का कोशिश करें, फिर दूसरों को चेंज करने का कोशिश करें। अगर हम खुद को ही चेंज नहीं करेंगे तो दूसरों को चेंज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।